है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ी है। तो आज है संडे और संडे इवनिंग और मैं आपको लेके आ चुकी हूँ बहुत ही फेमस जगह दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कि है हौजखास विलेज। तो अभी मैं खड़ी हूँ हौजखास के पार्किंग एरिया में, हौजखास विलेज के पार्किंग एरिया में जो कि आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ी सी पार्किंग है। और अभी मैं सबसे पहले आपको ले चलूँगी डियर पार्क जो कि बिल्कुल यहीं पर है। पार्किंग हौजखास विलेज की जो पार्किंग है उसके जस्ट अपोजिट साइड में डियर पार्क है। तो चलिए चलते हैं डियर पार्क के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगी हौजखास विलेज, वहाँ के भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज का जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने ब्रांड न्यू गिम्बल के साथ जो कि मैंने DJI का गिम्बल लिया है, न्यू है, फर्स्ट वीडियो शूट हो रहा है इससे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चले। तो गाइस पार्किंग से निकलते ही आपको मिल जाएगा डियर पार्क का बोर्ड लगा हुआ, ये है यहाँ से एंट्री। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है खास इसमें। तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, अभी तक तो कोई पैसे नहीं लगे। तो गाइस ये वाला जो रास्ता है ये सीधे ले चलेगा अपने को झील की तरह। यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी अच्छा एरिया बना हुआ है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो गाइज अभी पहुंच चुके हम लोग झील के पास, देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, वीकेंड है इस वजह से। वैसे भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको इतनी ही भीड़ मिलने वाली है। और अभी सनसेट का भी टाइम है तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है झील का व्यू, बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा है। और मैं इसी के साथ आपको ले चलती हूँ लेक व्यू पे। तो गाइस लेक से जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे फोर्ट भी है इसके अंदर ही, डियर पार्क के अंदर ही है, जो कि काफ़ी पुराना और बहुत ही खूबसूरत है। फोटो के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, इसमें फोटोज़ बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आपके। और अगर मैं बात करूँ फोटोज़ से तो मुझे याद है यहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे MS धोनी की और रॉक स्टार की शूटिंग यहाँ पर हुई है। और कपल के लिए तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे, आप देख भी सकते हैं ऊपर कुछ कपल्स दिख रहे हैं। तो चलिए चलते और आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा आपको पता ही है डियर पार्क है तो फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो बनावट भी बना हुआ है देख रहे हैं किस तरह से स्लोप बना हुआ है ऐसे करके जाने के लिए, तो वॉक करने के लिए भी काफ़ी सही जगह है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा पार्क है। कैसी बहुत सारे डक हैं। और इस झील का पानी ना थोड़ा गंदा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये झील के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पुराने ज़माने में बनाया गया था रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। अभी के टाइम में थोड़ा गंदा है क्योंकि कुछ लोग मैंने पीछे देखा ना खा के टेबल भी इसमें फेंक देते हैं, जिस वजह से पानी थोड़ा गंदा है। बट डक को देख के ना बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, कितना सुंदर लग रहा है। अंदर आने के बाद मुझे यहाँ एक छोटा सा बहुत छोटू सा ना फोर्ट दिखाया, चलिए चल के देखते हैं अंदर से कुछ गाने की आवाज़। और नीचे से सिंगिंग एंजॉय करने के बाद ना मैं अभी ऊपर आ गई हूँ फोर्ट के ऊपर, जो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही प्यारा लेक व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर सा दिख रहा है इवनिंग के टाइम पे, और भी अच्छा दिख रहा है अभी। तो गाइस यहाँ से एंट्री है डियर पार्क की और मैं हो गई हूँ लेट, मैं चली गई थी उधर झील की तरफ जिससे कि लेट हो गया, अंधेरा हो गया। और टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग कुछ इस तरह से 5 PM to 9:30 समर में और विंटर में 5:30 to 9 PM। तो चलिए चलते हैं और ढूंढते हैं डियर अंधेरे में, लेट्स गो। अभी देख सकते हैं आप बहुत अंधेरा हो गया और यही है डियर पार्क, इसी के अंदर मिलता है रियल वाला हिरन, बट अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, सारे हिरन खा के सोने जा चुके हैं। तो अभी मैं भी जा रही हूँ यहाँ से सोने के लिए। ओ भाई फाइनली अंधेरे में हमने डियर ढूंढ लिया सी। इसकी आंखें क्या चमक रही है। एक और है पीछे, उसकी आंखें भी और चमक रही है। ये देख रहे हो ये वाली जो लाइट है ना, एक और डियर है पीछे। नींद नहीं आई तुझे? इस वाले को ना नींद नहीं आई, बाकी सारे इसके दोस्त यार चले गए सोने। चलोगे मेरे साथ? फाइनली अभी मैं वापस जा रही थी, मुझे लगा कि शायद नहीं मिलेगा डियर, बट जाते जाते वही कहते हैं ना मन से आओ तो वो चीज़ें हो जाती है। सी दिख गया पीछे एक और है, वो ज़्यादा खाना खा लिया तो उसको आलस आ रहा है बाहर आने में, चला गया ये भाई भी वॉक करने आया था खाना खा के। जब आप डियर पार्क से बाहर निकलोगे ना तो 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है हौजखास विलेज, जो कि काफ़ी हैपनिंग जगह है इवनिंग के लिए, तो बहुत ही प्यारा
स्पॉट है, आप आके आराम से अपना इवनिंग वीकेंड पे इंजॉय कर सकते हो। तो अभी तो मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ, बाकी इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, कभी आऊंगी हॉजकास्ट विलेज एक्सप्लोर करने, अभी से आप बाहर से देख लो। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं डियर पार्क से, काफी अंधेरा हो गया था वहां पे, बट वही कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मेहरबान हो ना तो कुछ भी हो जाता है। फाइनली एक डियर ने आके हमें अपना सकल सूरत रूप दिखा दिया और अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। घर पहुंचने में टाइम लगेगा 39 मिनट्स, और अब मेरा गला देख रहे हो क्या ही हो चुका है, बिल्कुल ही तबीयत खराब है मेरी। देखती हूँ कल का क्या सीन होता है, ऑफिस जाती हूँ या नहीं। बाकी चलो ठीक है, मैं घर पहुंचती हूँ, घर पहुंच के मिलती हूँ आपसे।